हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत गुप्ता और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं डायलाइजर के बारे में, जिसको हम आर्टिफिशियल किडनी भी कहते हैं। तो आज का ये जो लेक्चर है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि डायलाइजर एक ऐसा पार्ट है जिसको हम डायलिसिस में से रिमूव नहीं कर सकते, उसको रिप्लेस नहीं कर सकते। तो इस लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि डायलाइजर को एक आर्टिफिशियल किडनी क्यों कहा जाता है। डायलाइजर इज डिजाइंड लाइक अ नेचुरल किडनी फॉर फिल्टरिंग द ब्लड एंड बैलेंसिंग द इलेक्ट्रोलाइट्स एंड फ्लूड। यानी कि डायलाइजर को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि वो एक नेचुरल किडनी की तरह वर्क करे। और हमारी नेचुरल किडनी का काम क्या होता है? ब्लड को फिल्टर करना, टॉक्सिन्स को रिमूव करना, फ्लूड बैलेंस करना, इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करना। तो यहाँ पर वही काम जो हमारी नेचुरल किडनी हमारी बॉडी में करती है, वही काम डायलिसिस के प्रोसेस में डायलाइजर करता है। तो एज अ नेचुरल किडनी जो प्रोसेस उसका है, जो काम उसका है, वही यहाँ पर डायलाइजर कर रहा है। इसीलिए हम डायलाइजर को आर्टिफिशियल किडनी कहते हैं, क्योंकि ये एक मैन मेड है इसीलिए आर्टिफिशियल कहते हैं, और किडनी की तरह ये फंक्शन करता है इसीलिए हम इसे आर्टिफिशियल किडनी कहते हैं। तो डायलाइजर के कुछ और भी बेसिक फंक्शंस हैं, तो पहले हम कुछ इसकी बेसिक जानकारी देखते हैं, उसके बाद हम ये जानेंगे कि एक आइडियल डायलाइजर को होने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए जिससे हम उसे एक आइडियल डायलाइजर कह सकें। तो ये इसके कुछ पॉइंट्स हैं। इट हैज़ 4 पॉट्स, 2 फॉर ब्लड कंपार्टमेंट्स, 2 फॉर डायलिसेट कंपार्टमेंट। यानी कि डायलाइजर के अंदर 4 पॉट होते हैं, 2 इनलेट और 2 आउटलेट। तो इनमें से जो 2 पॉट हैं वो है हमारे ब्लड कंपार्टमेंट के लिए, एक तरफ से ब्लड आएगा दूसरी तरफ से जाएगा। ऐसे ही सेम डायलिसेट फ्लूड के लिए 2 उसमें पॉट दिए गए हैं, एक डायलिसेट इनलेट और डायलिसेट आउटलेट। तो स्ट्रक्चर के बारे में हम डिटेल में बाद में जानेंगे। और सेकंड पॉइंट है इसका, इट इज अनरिप्लेशियबल पार्ट ऑफ रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। यानी कि डायलाइजर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा पार्ट है जिसको हम रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी यानी कि डायलिसिस उसमें से रिप्लेस नहीं कर सकते। और ब्लड एंड डायलिसिस सर्किट इंटरैक्ट्स इन डायलाइजर, यानी कि जो हमारा बॉडी का ब्लड है और डायलिसिस सर्किट है वो भी डायलाइजर पे इंटरैक्ट करते हैं, उनका जो इंटरेक्शन होता है वो एट द डायलाइजर होता है। और हम इसको रिप्लेस क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो फंक्शन मेन है किडनी का, वही काम यहाँ पर डायलाइजर कर रहा है। और अगर हम डायलाइजर को ही रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे तो वो जो पर्पज़ है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड वो नहीं हो पाएगा। इसीलिए दिस इज़ अनरिप्लेशियबल पार्ट ऑफ रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। और इसके बाद एक पॉइंट और आता है, एक्सचेंज ऑफ स्मॉल एंड मीडियम मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इनसाइड द डायलाइजर। यानी कि जो छोटे और मीडियम मॉलिक्यूल्स होते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं, उनका जो एक्सचेंज होता है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। और वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो होती है वो इनसाइड द डायलाइजर होती है, इसीलिए डायलाइजर के अंदर एक्सचेंज ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है, जिससे कि हमारे ब्लड में से जो स्मॉल और मीडियम पार्टिकल्स ऑफ टॉक्सिन्स होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं अन आइडियल डायलाइजर शुड हैव। यानी कि एक आइडियल डायलाइजर कहने के लिए
उस डायलाइजर में क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, उसके क्या क्या कैरेक्टर्स होने चाहिए, जिस बेस पर हम उस डायलाइजर को आइडियल कहें। तो आइडियल डायलाइजर का सिलेक्शन कुछ पॉइंट्स पे होता है, उन कैरेक्टरिस्टिक्स की अभी हम बात करते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बेस पर हम किसी भी डायलाइजर को जज करते हैं या ये कहते हैं कि दिस इज एन आइडियल डायलाइजर। पहला पॉइंट है हायर क्लीयरेंस ऑफ स्मॉल एंड मीडियम मॉलिक्यूलर वेट टॉक्सिन्स, यानी कि जो छोटे मॉलिक्यूलर वेट टॉक्सिन्स होते हैं और जो उससे थोड़ा सा बड़ा यानी कि मीडियम साइज के जो मॉलिक्यूलर वेट टॉक्सिन्स होते हैं उनका क्लियरेंस रेट हाई होना चाहिए। अगर कोई भी डायलाइजर टॉक्सिन्स रिमूव ठीक से नहीं करता तो वो डायलाइजर किसी काम का नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर डायलिसिस पेशेंट की करते हैं जिससे कि उसके ब्लड में से टॉक्सिन्स रिमूव हो जाएं। बट अगर डायलाइजर ये करने में सक्षम नहीं है तो ये किसी काम का नहीं होने वाला। देन लो कॉस्ट डायलाइजर, यानी कि डायलाइजर तो अच्छी क्लियरेंस दे रहा है लेकिन उसका प्राइस बहुत हायर है तो भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जो हमारे मिडिल क्लास पेशेंट हैं वो उसको एफर्ड नहीं कर पाएंगे तो ये हर किसी तक नहीं पहुंचेगा और ये एक इसकी डिसएडवांटेज हो सकती है। देन रिलायबिलिटी, यानी कि रिस्क फ्री होना चाहिए। रिलायबिलिटी का मतलब है विश्वसनीयता, यानी कि एक ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए, डायलाइजर ऐसा होना चाहिए जिस पर हम विश्वास कर सकें, जो रिस्क फ्री हो, उस पर ज़्यादा रिस्क ना हो कि हम डायलाइजर का यूज़ कर रहे हैं और हमें पता है कि इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं है, तब वो एक आइडियल डायलाइजर माना जाएगा। देन नेग्लिजिबल प्रोटीन लॉस एंड अमीनो एसिड लॉस, यानी कि एक डायलाइजर क्लियरेंस भी अच्छी दे रहा है और ये फैक्टर भी इसके हैं, लेकिन उससे अगर प्रोटीन लॉस हो रहा है और अमीनो एसिड लॉस हो रहा है ब्लड में से तो वो एक आइडियल डायलाइजर नहीं माना जाएगा, क्योंकि जो हमारे बॉडी में ब्लड में प्रोटीन होते हैं उनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है और अगर कोई भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन डायलाइजर की प्रोटीन लॉस कर दे तो वो हमारे किसी काम का नहीं। तो इसीलिए स्मॉल और जो मीडियम पार्टिकल्स होते हैं वो टॉक्सिन्स होते हैं और उनको रिमूव करना हमारे लिए ज़रूरी होता है, लेकिन उससे थोड़ा बड़ा पार्टिकल जैसे कि एल्ब्यूमिन, अगर एल्ब्यूमिन रिलीज हो जाए ब्लड में से रिमूव होने लगे तो वो डायलाइजर बेकार है। देन नॉन टॉक्सिक कंपोजिशन, यानी कि जिस मटेरियल से डायलाइजर बना है उसकी जो कंपोजिशन है वो टॉक्सिक नहीं होनी चाहिए, हमारे ब्लड के साथ उसे रिएक्ट नहीं करना। अगर उसकी जो कंपोजिशन है हमारे ब्लड के साथ अगर रिएक्ट करेगी तो हमारा जो भी पर्पस है वो फेल हो जाएगा और वो ब्लड वेस्ट हो जाएगा। देन मिनिमल एक्टिवेशन ऑफ सेल और थ्रोम्बोटिक पाथवे, इसका सिंपल सीधा सा मतलब ये है कि डायलाइजर ऐसा होना चाहिए जो कि ब्लड की क्लॉटिंग होने से बचाए, यानी कि डायलाइजर में ब्लड आया वो बिना क्लॉट हुए निकल गया, उसके सेल एक्टिवेशन नहीं हुई या फिर जो थ्रोम्बोटिक पाथवे है वो एक्टिव नहीं हुआ, ऐसा मटेरियल हमें यूज़ करना है डायलाइजर में। देन मिनिमम ब्लड वॉल्यूम, डायलाइजर ऐसा होना चाहिए जिसमें कि मिनिमम यानी कि कम से कम ब्लड वॉल्यूम आए, फिल्टर हो और चली जाए, डायलाइजर में हमें बहुत ज़्यादा ब्लड देने की ज़रूरत ना पड़े, ऐसा डायलाइजर होना चाहिए, क्योंकि अगर हम बॉडी में से एक साथ बहुत सारा ब्लड रिलीज़ करते हैं पेशेंट की तो इसकी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो पेशेंट हाइपोटेंशन में चला जाएगा। देन मिनिमम प्राइमिंग वॉल्यूम, यानी कि जब भी हम डायलाइजर को यूज़ करते हैं उससे पहले उसकी प्राइमिंग करते हैं तो उसमें हमारी बहुत सारी सलाइन जो हम NS बोलते हैं उसका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि डायलाइजर ऐसा हो जिसमें हम प्राइमिंग करते टाइम पे
कम से कम नॉर्मल सलाइन का यूज़ करके उसकी प्राइमिंग ख़त्म कर लें, अदरवाइज़ ये एक वेस्टेज होगा जो कि आइडियल डायलाइजर का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। देन रीयूजेबिलिटी, रीयूजेबल का मतलब ये है कि हम डायलाइजर को कितनी बार रीयूज़ कर सकते हैं। लेट सपोज डायलाइजर का प्राइस महंगा है और अगर हम उसे बार बार यूज़ कर सकते हैं, अगर इस काबिल है डायलाइजर, तो हमें बहुत ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। लेकिन अगर बार बार डायलाइजर हमें नया ख़रीदना पड़े तो उसमें पेशेंट की मनी का बहुत ज़्यादा वेस्टेज है। तो इसीलिए रीयूजेबिलिटी इज़ अ फैक्टर जिससे हम कह सकते हैं कि ये डायलाइजर आइडियल है या नहीं है। देन आता है एडिकेट यूएफ कंट्रोल, यानी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कंट्रोल। अगर हमारा कंट्रोल अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पे नहीं है किसी भी डायलाइजर की, लेट सपोज कि एक पेशेंट आया, उसको 4 लीटर फ्लूइड लॉस करना है, यानी कि फ्लूइड रिमूव करना है 4 लीटर, लेकिन ये डायलाइजर आइडियल नहीं है, तो वो पता चल रहा है कि 5 लीटर फ्लूइड रिमूव कर दिया, कभी पता चल रहा है 3 लीटर फ्लूइड रिमूव कर दिया, उस पर हमारा कंट्रोल ही नहीं है। तो डायलाइजर ऐसा होना चाहिए जिस पर हमारा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कंट्रोल अच्छा हो, वो फ्लूइड रिमूव अच्छे से कर पाए और एक एडिकेट वे में कर पाए। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसके बेस पे हम कहते हैं कि डायलाइजर आइडियल है या नहीं है। तो इसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ डायलाइजर एक हिस्ट्रिक वे में, यानी कि शुरू से लेकर कितने तरह के डायलाइजर अभी तक हुए हैं और उसमें से अभी रिसेंटली जो है कौन सा डायलाइजर यूज हो रहा है। तो इन अ हिस्ट्रिक वे, यानी कि हम हिस्ट्रिकली अगर देखें तो 3 तरह के डायलाइजर अभी तक बने हैं, 3 जेनरेशन भी हम इसको कह सकते हैं। तो जो फर्स्ट जेनरेशन का डायलाइजर था वो था कॉयल डायलाइजर, जिसको हम ड्रम डायलाइजर भी कहते हैं, क्योंकि एक तरीके से ड्रम की तरह था जिसको रोटेट करना पड़ता था। और ये डायलाइजर बनाया था सबसे पहली बार विलियम कॉफ ने। तो विलियम कॉफ जो थे, इन्होंने 1930 में अपने रिसर्च डायलाइजर बनाने पे स्टार्ट करी और 1943 में फाइनली डायलाइजर बनाया। तो जो ड्रम डायलाइजर बना था वो 1943 में बना था बाय विलियम कॉफ, इसीलिए इसको कॉफ डायलाइजर भी कहते हैं, क्योंकि ये इनका साइंटिस्ट का नाम था। देन दूसरी जनरेशन का जो डायलाइजर था वो था पैरेलल प्लेट डायलाइजर, जो कि फ्रेडरिक कील ने बनाया था 1960 में। तो 43 से 60 तक जो यूज़ हुआ था वो कॉयल डायलाइजर यूज़ हुआ था, उसके बाद हमारा पैरेलल प्लेट डायलाइजर आ गया था। तो पैरेलल प्लेट डायलाइजर के भी कुछ डिसएडवांटेज रहे, जिसके बाद में फाइनली जो थर्ड जनरेशन का डायलाइजर है जो अभी तक यूज़ हो रहा है वो है हॉलो फाइबर या फिर कैपिलरी डायलाइजर। तो जो हॉलो फाइबर डायलाइजर है इसको बनाया था रिकर्ड स्टीवर्ड ने 1964 में, और इस डायलाइजर को अभी भी हम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद कोई भी डायलाइजर मार्केट में अभी नहीं इन्वेंट किया गया। जो पैरेलल प्लेट डायलाइजर था उसका नाम इन साइंटिस्ट के नाम पर पड़ा, इसीलिए हम इसको कील डायलाइजर भी कहते हैं, और जो हमारा ड्रम डायलाइजर या फिर कॉयल डायलाइजर है उसको हम कॉफ डायलाइजर कहते हैं। लेकिन जो रिकर्ड स्टीवर्ड ने डायलाइजर बनाया था उसको हम कैपिलरी या फिर हॉलो फाइबर डायलाइजर ही कहते हैं, इनके साइंटिस्ट के नाम पर हम इस डायलाइजर को नहीं कहते हैं। तो इनकी कुछ डिसएडवांटेज रही जिसके बेस पर न्यू इन्वेंशन हुए थे। तो कॉयल डायलाइजर जो था उसकी सबसे बड़ी एडवांटेज ये थी हायर क्लियरेंस ड्यू टू लार्ज सरफेस एरिया, यानी कि जो इनका डायलाइजर था कॉफ डायलाइजर, उसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होने की वजह से उसका क्लियरेंस सबसे ज़्यादा था, क्लियरेंस उसमें बहुत अच्छा आता था क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज़्यादा था। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ इसकी एक एडवांटेज है, लेकिन बाकी इसकी कई सारे डिसएडवांटेजेस भी थी, जैसे कि
तो इसके जो डिसएडवांटेज रहे वो था हायर प्राइमिंग वॉल्यूम, यानी कि इसका सरफेस एरिया बहुत बड़ा था, इसीलिए इसको प्राइम करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा नॉर्मल सलाइन की ज़रूरत पड़ती थी। तो इसमें हमारा सलाइन का वेस्टेज था, इसीलिए इसकी ये डिसएडवांटेज रही। दूसरा, इसका रिस्क ऑफ DDS बहुत ज़्यादा था, डायलिसिस डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम के बहुत ज़्यादा हायर चांसेस थे इस डायलाइजर को यूज़ करने पे, जिससे कि पेशेंट की लाइफ का खतरा था। देन ब्लड लीकेज इसमें से जल्दी हो जाती थी, इसका भी रिस्क था। और अनप्रेडिक्टेबल अल्ट्रा फिल्ट्रेशन रेट, यानी कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन रेट जो है वो कितना होगा उसकी कोई भी प्रेडिक्शन नहीं थी, उसका कुछ अता पता नहीं था। तो इसीलिए ये सारी इसकी डिसएडवांटेज रही, जिनको ओवरकम करने के लिए हमें एक नए इन्वेंशन की ज़रूरत पड़ी। फिर आया पैरेलल प्लेट डायलाइजर, जो कि फ्रेडरिक कील ने बनाया, और इसकी भी कुछ डिसएडवांटेज रही, तो उनकी हम बात करते हैं। पहले इसकी एडवांटेज देखेंगे। तो इसके कुछ एडवांटेज रहे, जिसमें इसके डिसएडवांटेज को देखते हुए इसका डिज़ाइन किया गया था। तो इन सभी डिसएडवांटेज को तो हमने ओवरकम कर लिया था पैरेलल प्लेट डायलाइजर में, जैसे कि इसमें ज़्यादा प्राइमिंग वॉल्यूम लग रही थी, लेकिन इसमें सरफेस एरिया को थोड़ा कम कर दिया गया। ये पैरेलल प्लेट था तो इसमें जो प्राइमिंग वॉल्यूम थी वो एज़ कम्पेयर्ड टू कॉइल डायलाइजर कम थी, और इसमें DDS का रिस्क भी कम था, ब्लड लॉस के चांसेस भी कम हो गए। उसके बाद अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कंट्रोल था, वो भी बेटर हो गया एज़ कम्पेयर्ड टू कॉइल या फिर ड्रम डायलाइजर। लेकिन इसके भी कई सारे डिसएडवांटेज रहे, जैसे कि तो इसका जो डिसएडवांटेज रहा, उस डिसएडवांटेज में पहला आता है रिस्क ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ, यानी पैरेलल प्लेट डायलाइजर में बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत जल्दी से हो जाती थी। और दूसरा इसका डिसएडवांटेज था एक्सपेंसिवनेस, यानी कि ये जो डायलाइजर था ये उससे तो बेटर था, लेकिन ये महंगा बहुत था, हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर पाता था। थर्ड इसका है लार्ज सरफेस एरिया, एज कम्पेयर टू उसके सरफेस एरिया से तो कम था, बट फिर भी ज़्यादा ही था, जिसकी वजह से वो बल्की हो जाता था, यानी कि बहुत भारी हो जाता था, तो इस डायलाइजर को मैनेज करना मुश्किल होता था। और इसी इसकी जो मेम्ब्रेन्स थी, उन मेम्ब्रेन्स में एक्सटर्नल सपोर्ट लगता था, उस एक्सटर्नल सपोर्ट को मैनेज करना भी मुश्किल हो जाता था। देन सिक्स्थ पॉइंट इसका जो है वो है सिंगल यूज़, यानी कि इस डायलाइजर को सिर्फ हम एक ही बार यूज़ कर सकते थे, और जब इसको एक बार यूज़ करना है, इसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा हाई है, एक्सपेंसिव है, तो ये इसकी डिसएडवांटेज रही, क्योंकि एक नॉर्मल कोई भी पर्सन इस डायलाइजर को अफोर्ड नहीं कर पाता था, जिसकी वजह से 4 साल के बाद एक नया इन्वेंशन हुआ हॉलो फाइबर डायलाइजर का। हॉलो फाइबर डायलाइजर का इन्वेंशन रिकर्ड स्टीवर्ड ने किया था, जिसके एडवांटेज ही एडवांटेज हैं, और वो आज तक यूज हो रहा है। तो ये जो कैपिलरी डायलाइजर था, इस कैपिलरी डायलाइजर की बहुत सारी एडवांटेजेस हैं, जैसे कि बेटर UF कंट्रोल, नो रिस्क ऑफ ब्लड लॉस, नो रिस्क ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ, ये बहुत ही छोटा है, कॉम्पैक्ट है, चीप यानी कि बहुत सस्ता भी है, रीयूजेबल भी है, उसको हम बार बार यूज़ भी कर सकते हैं, लो प्राइमिंग वॉल्यूम, उसमें प्राइमिंग वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इसकी इतनी सारी एडवांटेजेस थी, जिसकी वजह से ये अभी तक यूज़ हो रहा है। और इस हॉलो फाइबर डायलाइजर या फिर कैपिलरी डायलाइजर के बारे में हम अभी आगे भी बहुत सी चीज़ें जानने वाले हैं, क्योंकि ये पैरेलल प्लेट और कॉइल डायलाइजर आज के टाइम पर यूज़ नहीं हो रहे हैं, अभी यूज़ हो रहा है, तो इसी के बारे में हम बात करेंगे। इसका स्ट्रक्चर जानेंगे और इसके अंदर फ्लो कैसा होता है उसके बारे में बात करेंगे, और इसके भी कुछ टाइप हैं, इसको कैसे कैटेगराइज किया गया है, हाई फ्लक्स लो फ्लक्स, उन सब की भी हम बात करेंगे। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, उम्मीद है आपको
सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं, कवर अप करने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट पार्ट इसका मिस मत कीजिएगा, और उम्मीद है आप लोग इसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू, और जय हिंद, जय भारत।